माहिरा को स्कूल छोड़ने के बाद तुम सोना के साथ बेकरी पर आ सकते हो क्या? ठीक है, पर तुमने तो कहा था कि तुम आज ऑफिस नहीं जा रहे। मैं अभी कंपनी नहीं जा रहा, किसी के साथ मेरी गुफ्तगू अधूरी रह गई थी, वो पूरी करने जा रहा हूं। हम यहाँ क्यों आए हैं हैरी? मुझे नहीं पता, निजात ने यहाँ आने को कहा था, शायद कुछ खास है। ये तैयारियां किस लिए हैं? सरप्राइज! आपा, मेरी प्यारी बहन, तुम तो गुस्सा थी ना मुझ पे? तुम पर गुस्सा नहीं हूँ, खुद पर हूँ। डांटा था ना तुम्हें? ठीक किया था तुमने। तुम इस बारे में हम लोग बाद में बात कर लेंगे, अभी मुनासिब नहीं है। जो हुआ मैं जानती हूँ, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर मैंने भी तुम्हारा दिल गलती से दुखाया हो तो माफ कर देना मुझे, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। हम तीनों भाई बहन है, हमारा एक दूसरे के अलावा आखिर है ही कौन? सानिया हटो पीछे, मुझे भी अपनी दोस्त से गले मिलने दो। हाँ। सोना मेरी जान, तो तुम सबने सरप्राइज दिया है मुझे। हमने तो कुछ नहीं किया, ये सब निजात साहब ने किया है। हाँ, लेकिन अब जो तुम्हें दिखाने जा रहे हैं उसका ताल्लुक मुझसे है। बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन हैं, उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें पसंद भी आएंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि शायद तुम जानना चाहो कि ये जगह कैसी दिखने वाली है। निजात, ये देखो, ये वो जगह है जहां काउंटर और कबर्ड रखा होगा, यानी वहां पे। ये जगह जहां कस्टमर होंगे और ये उसके बराबर वाली दीवार, और ये बाहर से नजारा होगा और ये तुम्हारे बराबर वाली दीवार। मुझे यकीन नहीं आ रहा। सिर्फ यही नहीं, तुमने नाम के बारे में सोचा है? हाँ बिल्कुल सोचा है, परवीन। मैंने वैसे कुछ और नाम सोचा था, चाहो तो एक नजर देख लो। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। खुद को अकेला मत समझना, ठीक है? तुम कभी भी अकेली नहीं हो, हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, भूलना मत ये। मैं तुम्हें इस जगह को पूरा मुकम्मल होने के बाद दिखाना चाहता था, लेकिन मास्टर ने थोड़ा और वक्त मांग लिया, इसके लिए माफ करना। बहुत शुक्रिया। तुम सबका भी बहुत शुक्रिया। अब मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मैं नहीं रह सकती, चलो आ जाओ। आ जाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आ जाओ सब। दोस्तों, अब जबकि हम सब साथ हैं तो क्यों ना एक साथ सेल्फी हो जाए, क्या ख्याल है तुम लोगों का? हाँ बिल्कुल हो जाए। Gül yüzüm çok mutlu olur.
bilsin herkes. Güneşler yeniden doğacak, sen gelsen.